महाराष्ट्र के अमरावती शहर के एक स्कूल में श्री योग वेदांत सेवा समिति अमरावती द्वारा लिए गए मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम में एक बच्ची माइक पर बोलने के लिए आई और माइक हाथ में लेते ही रो पड़ी, चाहकर भी वो कुछ बोल न पाई। इस वीडियो में आप देखेंगे कार्यक्रम की भावपूर्ण झलकियां। इस कार्यक्रम में मातृ पितृ पूजन पर्व के प्रेरणा स्रोत संत श्री आशाराम जी बापू का नाम भी खूब गुंजा। आइए देखते हैं अमरावती के संत कंवरराम विद्यालय के इस भाव भरे कार्यक्रम की कुछ विशेष झलकियां। मेरा नाम एकता चरिया है, मैं आज आपको कुछ बताना चाहूंगी। जब हम छोटे रहते हैं तभी हमारी मम्मी सब कुछ समझ जाती है कि अभी हमको भूख लगी है, अभी हमको पानी चाहिए। जब भी हम बड़े हो जाते हैं फिर मम्मी पूछती है, बेटा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या चाहिए? फिर हम बोलते हैं, मम्मी आप नहीं समझोगे। हाँ, शाबाश है। अन्ना जन्मा दिला गा आई तुझा उपकार भेटणार नाही, आई तुझा मूर्तीवाणी या जगात मोठी नाही। अनमोल जन्म दिला गाय तुझे उपकार फिटना नाही, अनमोल जन्म दिला गाय तुझे उपकार फिटना नाही। बालापनी में खेल खेलता दुष्ट होतो ताना, बालापनी में खेल खेलता दुष्ट होतो ताना। माझं नाव नंदिनी वानखडे, मी सगळ्यात पहिले शिक्षकांचा आणि इथे आलेले जे संत आहे त्यांचं धन्यवाद म्हणते। त्यांनी आईबाबाची पूजा करायची संधी दिली आणि शिक्षकांचा तर खूपच छान की त्यांनी इथे आईबाबाला बोलावलं। माझे बाबा इथे नाही, माझे बाबा बाहेर गावी तरी माझी आई आली आणि तिने माझं धन्यवाद। छोटंसं गीत गाणार आहे। आई म्हणून कोणी आईस हाक मारी, ती हाक ये कारी मज होय शोक कारी। नोहेच हाक माते मारी कोणी कुठारी, आई कोणा म्हणू मी आई घरी न दारी। ही न्यूनता सुधा सुखाची सद्दा विदार दारी। स्वामी तिन्ही जगाचा आई आई बिना विकारी, आई म्हणून कोणी आई सहाक मारी। आधी ह्या संस्कृतीला जपावं म्हणूनच कधी आपण सर्व पालकांनी यायला पाहिजे होतं आणि या मुलांना जो आनंद भेटून राहिला चार अशा सर्व मुलांना मिळायला पाहिजे होतं। कारण आज जी मुलगी रडली परत अशी मुलगी रडली नसती, तिच्या आईला बाबाला कुणाला का असं पे नसतं यायला पाहिजे। असेही खूप आहे लहान मुलं चिमुकले की ज्यांना आई वडील नाही आहे ते आश्रमात राहतात। कल्पना करा, तुमच्याकडे आई वडील आहे, तुम्हाला बाळ झालेलं आहे, त्यांचं कौतुक करण्यासाठी खरंच समोर या, समोर या। एवढंच बोलून माझे दोन शब्द बोलतो। हरिओम। आज इस कार्यक्रम का आयोजन मातृ पितृ पूजन दिवस, ये सच बात है कि हम कभी घर पे इस तरह से इतना टाइम अपने माता पिता को नहीं दे सकते हैं या अपने बच्चों के साथ इतनी देर अपने बच्चों के साथ नहीं बैठते हैं। आज जो भी माता पिता या हम गुरु भी हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत सारी बातें सिखाते हैं, लेकिन उनके साथ इस तरह से आराम से टाइम हम नहीं दे पाते हैं। आज इस संस्था की ओर से हमने यह कार्यक्रम किया और इतना समय हमने एक दूसरे को दिया, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। और कार्यक्रम बहुत ही सुंदर हुआ और जैसे सर बोल रहे थे कि मैंने बोला 100 पेरेंट्स आएंगे, पहले बच्चों में उत्साह था, बच्चे अभी बोल रहे हैं कि अगली बार हुआ तो हम जरूर लाएंगे। तो ये जो आप है कि ये 100 पेरेंट्स शायद अगले साल जरूर दे पाएंगे हम सर। इसके जो प्रेरणा है यानी जिससे प्रेरणा मिली है इस संस्था को या हम लोगों को, वो आसाराम बापू, उनकी तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सभी उनके साधक
शिष्य हैं और मैं उनका भी तहे दिल से हृदय से आभार मानती हूँ और उनको हरिओम बोलती हूँ। प्यारे बच्चों और आदरणीय पालक वर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं और संत आसाराम जी बापू सेवा समिति की तरफ से आए हुए सभी पदाधिकारी, इन सभी का हमारी शाला के प्रांगण में मैं संस्था की तरफ से, सभी शिक्षकों की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारी शाला में आकर एक ऐसा अवसर प्रदान किया पालकों के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए। इसलिए समिति के श्री नंदलाल जी तरडेजा, मानव जी बुद्धदेव, सुदर्शन जी मत्तानी, राजाराम जी, साहेबराव जी घोड़की, अजय जी उमप, राहुल जी और थोड़े देर से पधारे, मैं नाम नहीं जानता हूँ, नामदेवराव जी गौड़ी, आप सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और एच ए मैडम की अनुमति से आपको, सब मैडम की तरफ से मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि अगली बार यदि आप हमारी शाला में पधारे हैं तो हम और अधिक बच्चे आपके लिए, पालकों को हम आमंत्रित करेंगे।